Good morning, dear students. I hope you all are fine. So today I will teach you chapter 6, the triangle and its properties of class 7 maths. First we will talk about triangle. What is triangle? A triangle is a simple closed curve made of three lines. It means एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो आपका थ्री लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है उसे क्या बोलते हैं आप? ट्रायंगल. लाइक दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो एन ट्रायंगल, दिस इज ऑल्सो अ ट्रायंगल. ओके, तो ये सब क्या है आपके? ट्रायंगल. बस ये किससे मिलके बने हैं? थ्री लाइन सेगमेंट से. और कैसे हैं ये? क्लोज्ड हैं. ओके, अब आपके जो ट्रायंगल में थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज साइड, सेकंड एंगल्स एंड थर्ड वर्टिसेस. तो सबसे पहले हम साइड्स को देखेंगे कि साइड्स कौन कौन सी होती हैं. साइड्स देखिए, मैं इनमें से किसी भी एक ट्रायंगल को नेमिंग दे देती हूं. ए बी सी, ये क्या है आपका? एक ट्रायंगल है जिसका नेम क्या है? ए बी सी. ओके, अब इसमें हम किसकी बात करेंगे? साइड्स की. आप देख रहे हैं ये कितने लाइन सेगमेंट से मिलके बना है? थ्री लाइन सेगमेंट से बना है. इट मींस इसमें कितनी साइड्स होंगी? थ्री साइड्स होंगी. कौन कौन सी होंगी? ए बी, बी सी एंड सी ए. ये क्या है आपकी? साइड्स है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगल्स. एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, इसमें आपके थ्री एंगल्स फॉर्म होते हैं. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. दिस, दिस एंड दिस. अब इसको लिखते कैसे हैं? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं. लाइक अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो एंगल ए को मैं इस तरह भी लिख सकती हूं, बी ए सी, एंगल बी ए सी और सी ए बी. बस आपको जो ध्यान रखना है, आप क्या रखना है कि जिस भी एंगल की बात हो रही है वो कहाँ होना चाहिए आपका? सेंटर में. सिमिलरली अगर हमें एंगल बी को लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूं? एंगल ए बी सी और सी बी ए, इन दोनों में किस एंगल की बात हो रही है? बी की, और वो कहां पर है? सेंटर में. सिमिलरली अगर मैं एंगल सी की बात करूं तो उसको किस तरह लिख सकते हैं आप? एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए. यहां पर भी ये सी कहां है? सेंटर में. इट मीन्स हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल सी की. नाउ वी विल टॉक अबाउट वर्टिसेस. कि वर्टिसेस क्या होते हैं आपके? वर्टिसेस, वर्टिसेस देखिए, वर्टिसेस क्या होते हैं आप देख सकते हैं. एक ट्रायंगल है, इसमें थ्री कॉर्नर्स हैं. वन इज दिस, दिस एंड दिस. तो इट मीन्स यहां पे कितने वर्टिसेस हुए? थ्री. और कौन कौन से? ए बी एंड सी. ओके, तो ये क्या था आपका? ट्रायंगल, जो आपका थ्री लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है और एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है. इसमें थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं, साइड्स, एंगल्स एंड वर्टिसेस. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए क्या होता है मीडियंस. अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. इट मींस जब का मीडियन होता है, ये वर्टेक्स को ट्रायंगल की ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करता है. इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. देखिए, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है लाइक दिस. एक ट्रायंगल है आपके पास, ओके, ए बी सी. मैंने क्या बोला? जो मीडियन होता है वो वर्टेक्स को उसकी ऑपोजिट साइड से, ठीक है, लेकिन ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से क्या करता है? कनेक्ट करता है. इट मींस बीसी का जो मिड पॉइंट होगा समवेयर यहां, ओके. तो क्या होगा ये आपका? यहां से एक लाइन के थ्रू से क्या हो जाएगा? ये कनेक्ट हो जाएगा. तो ये क्या है आपका? मीडियन. एडी इज अ मीडियन. अब यहां पर जो मीडियन है आप देख सकते हैं, ये तो मैंने ए से ड्रॉ किया, पर आप इसको बी से और सी से, दोनों वर्टेक्स से ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं यहां पे बी से ड्रॉ करूं, एक और फिगर लेते हैं यहां पे. सपोज ये एक ट्रायंगल है आपका ए बी
और सी, और मुझे बी से मीडियन ड्रॉ करना है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगी? सबसे पहले तो बी से स्टार्ट होगा और वो कहां पर होगा कनेक्ट? एसी पर, क्योंकि बीसी की जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है? एसी है, और एसी के कौन से पॉइंट से कनेक्ट होगा? वो मिड पॉइंट से. तो समवेयर लाइक दिस, दिस. तो यहां पर बीटी क्या हो गया आपका? मीडियन. सिमिलरली एक और ट्रायंगल देखते हैं. ये भी एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी. अब मुझे कहां से मीडियन ड्रॉ करना है? सी से, और वो ड्रॉ कहां पर होगा? ए बी पर, और ए बी के मिड पॉइंट से. सो सपोज लाइक दिस, दिस. तो यहां पर सी डी क्या हो गया? मीडियन. तो ये क्या था आपका? मीडियन. मीडियन क्या बताया मैंने आपको? कि जो मीडियन होता है वो वर्टेक्स को उसके ट्रायंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है उसके मिड पॉइंट से कनेक्ट करता है, वो क्या कहलाता है आपका? मीडियन. नाउ वी विल टॉक अबाउट एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं? देखिए, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी. सो एल्टीट्यूड क्या होगा आपका? ए से एक लाइन के थ्रू उसके ऑपोजिट साइड से कनेक्ट होगा, पर ये उसके साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा लाइक दिस. तो यहां पर एडी क्या है आपका? एल्टीट्यूड. सिमिलरली इसी तरह आप बी से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी. अब आपको बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो बी से एल्टीट्यूड सबसे पहले तो कहां ड्रॉ होगा? एसी पर, क्योंकि जो बी सी बी के ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है? एसी है. तो यहां पर हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. तो ये क्या हो जाएगा आपका? बीडी. एल्टीट्यूड क्या कह रहे हैं हम इसको? बिकॉज ये क्या कर रहा है यहां पर? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है. सिमिलरली हम सी से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं ए बी सी, राइट. अब आपको यहां पे सी से ड्रॉ करना है, तो सी से कैसे ड्रॉ होगा यहां पर? लाइक दिस. तो ये क्या है आपका? एल्टीट्यूड. बिकॉज ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने इसे क्या कहा? एल्टीट्यूड. नाउ मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस होता है? जो मीडियन होता है वो ऑपोजिट साइड से मिड पॉइंट से कनेक्ट होता है, ओके. लेकिन जो एल्टीट्यूड होता है वो ऑपोजिट साइड से कनेक्ट होता है, पर वो उस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, तो क्या कहलाता है आपका? एल्टीट्यूड, ओके. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे. प्रैक्टिस इट एट योर होम. वी विल सून मीट विद द न्यू वीडियो. थैंक यू.